वसंतराव देशपांडे इनकी स्मृति में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर की ओर से 28 से 30 जुलाई 2022 तक भव्य 31वां डॉक्टर वसंतराव देशपांडे संगीत समारोह का आयोजन किया जाने वाला है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में साउथ सेंट्रल जोन के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक खिरवाड़कर इन्होंने दी है। इस मौके पर साउथ सेंट्रल जोन के तमाम अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। उस दिन को लेकर आजू बाजू में लेकर ऐसे 3 दिन का भव्य आयोजन केंद्र की ओर से हर साल किया जाता है। यह इस साल यह महोत्सव का 31वां साल है। इस साल यह महोत्सव 28, 29 और 30 जुलाई को रोज शाम को 6:30 बजे वसंतराव देशपांडे स्मृति सभागृह में सिविल लाइन्स नागपुर में यह महोत्सव का आयोजन केंद्र की ओर से किया जा रहा है। समारोह का उद्घाटन 28 तारीख को सुप्रसिद्ध विचारवंत कलाप्रेमी तथा वनराई के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गांधी इनके हाथों से होगा। 6 बजे यह उद्घाटन समारोह होगा। केंद्र की ओर से उस दिन ज्येष्ठ साहित्यिक विदर्भ साहित्य संघ नागपुर के अध्यक्ष श्री मनोहर म्हैसाळकर जी को सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि केंद्र की प्रथा है, हर कार्यक्रम में केंद्र द्वारा सीनियर आर्टिस्ट और ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, उसी कड़ी में यह सम्मान होगा। डॉक्टर गिरीश गांधी जी के हाथों से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 28 तारीख को उद्घाटन समारोह में शहनाई वादन से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें अभी इतने में ही चेन्नई स्थित श्री बल्लेश भजंत्री, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है शहनाई वादन में। पंडित उस्ताद बिस्मिल्ला खाल जी के बाद में शहनाई वादन में पद्म पुरस्कार मिलने वाले वो पहले देश के कलाकार हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। उनके शहनाई वादन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी तथा उसके बाद दूसरी प्रस्तुति सुविख्यात गायिका मुंबई की डॉक्टर अश्विनी भिड़े देशपांडे, इनके शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। 29 जुलाई को जो शुरुआत का जो कार्यक्रम होगा, उसमें प्रमुख अतिथि के रूप में नागपुर PWD महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के चीफ इंजीनियर श्री दसपुते जी, श्री SD दसपुते जी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा वरिष्ठ गायक और संगीतकार श्री सदानंद पेंडसे, इनको उस दिन केंद्र की ओर से उनका सम्मान किया जाएगा। इस दिन 29 तारीख को 3 प्रस्तुतियां है। इसमें प्रथम प्रस्तुति पुणे की श्रीमती शमा भाटे तथा ग्रुप द्वारा, उनकी चमू जो है उनके द्वारा दी जाएगी कथक बैले के रूप में। द्वितीय प्रस्तुति अपने विदर्भ के यवतमाल के सुप्रसिद्ध सुविख्यात गायक, जो युवा कलाकार है, युवा गायक है, प्रतिभावंत गायक है तथा आकाशवाणी के अ श्रेणी मान्यता प्राप्त कलाकार है, श्री प्रसाद खापर्डे, इनका शास्त्रीय गायन होगा तथा उसके बाद में हैदराबाद के पंडित पद्मश्री श्री येल्ला वेंकटेश्वर राव, इनके द्वारा तालवाद्य कचेरी रिदमिक फ्यूजन, इसका ऐसा इनोवेटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।